अशोकनगर में गया प्रसाद कलाकार मंडल के द्वारा 75 सालों से यह रामलीला जारी है। कोरोना के 2 साल छोड़ दिए जाए तो सन 1947 से यह रामलीला आज तक लगातार होती रही है। इसमें राम बारात और रावण दहन के कुछ विशेष आयोजन भी किए जाते हैं। अशोकनगर शहर की रामलीला बीते कई दशकों से आसपास के इलाकों में काफी प्रसिद्ध रही है। लोग दूर दूर से इस रामलीला को देखने के लिए आते हैं। इस पूरी रामलीला का सबसे बड़ा आकर्षण आखिरी के दिन रावण का दहन कार्यक्रम होता है, जिसमें करीब 15 से 20 हजार लोग भाग लेते हैं। रामलीला स्थल से ही भगवान राम की शोभा यात्रा दशहरा मैदान तक जाती है, जहां पर रावण दहन का एक आकर्षक कार्यक्रम भी होता है। इस बार रामलीला में भगवान राम की बारात का एक बड़ा आयोजन भी किया जाता है। यह बारात अशोकनगर शहर के प्रमुख मार्गों से निकलकर रामलीला मंच पर पहुंचती है, जिसे रघुवंशी संघ संचालित करता है। मशाल की लाइट जलाकर राम दर्शन हुई थी 1950 से, इसको व्यवस्थित ढंग से किया गया। 1955-56 में गुरु बना है, उसमें फोटो लगा हुआ है। पहले कलाकारों की मेरे पिताजी बनाई थी, उस समय यह कलाकार मंडल के नाम था। 1968 में मेरे जब पिताजी का स्वर्गवास हुआ तो नाम पर इसको गया प्रसाद कलाकार मंडल नाम दे दिया गया। पिछले 52 वर्ष से मैं रावण का अभिनय कर रहा हूँ। इसके पहले मैं राम और लक्ष्मण का अभिनय कर चुका कितनी पीढ़ी हमने कई ऐसे परिवार भी है जिनसे चौथी पीढ़ी में छोटे छोटे बच्चे काम कर रहे हैं। उनको अतिरिक्त काम के लिए थोड़ा समय दे दिया जाता था, मैं अवकाश ले लेता था, लेकिन मैं कभी अनुपस्थित नहीं रहा, ना अपनी सेवा में भी अनुपस्थित रहा, ना यहाँ रामलीला में भी कोई अनुपस्थित रहा। मैं मतलब जैसे नवरात्रि में हम लोग पूजन नहीं कर पाते हैं, व्रत नहीं रख पाते हैं, हमारे लिए तो यही पूजा है। श्री राम ने जो दिया है वो उनकी सेवा में लगा रहे हैं, इसके कोई इच्छा या टीवी पर इसी कमजोर उस समय हुई, लेकिन उसके बाद और सशक्त रूप से आई, क्योंकि राम कथा जिनको पता नहीं थी उनको भी राम कथा का पता लगा और उस रामलीला में देखने वालों की रुचि बढ़ी। तब से हम उस समय समझते थे संभवतः रामलीला बंद हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उस दौर से निकले, फिर अपनी गति पे आ गई, फिर कोई दिक्कत नहीं। इस रामलीला का शुभारंभ करने वाले पंडित गया प्रसाद शर्मा के पुत्र एवं रामलीला में वर्षों से रावण का अभिनय करने वाले प्रमेंद्र शर्मा का कहना है कि अशोकनगर की रामलीला अपनी आकर्षक साज सज्जा एवं बेहतरीन कलाकारी के लिए दूर दूर तक जानी जाती है। सन 1947 में जब यह रामलीला शुरू हुई थी तब शहर में लाइट नहीं होती थी और मशाल की रोशनी में इसे किया जाता था। इस रामलीला में कुछ ऐसे कलाकार भी हैं जो बीते 50 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। कई परिवारों की तीसरी के साथ चौथी पीढ़ी भी इस रंगमंच में काम कर रही है, जिसमें एक परिवार की 3 पीढ़ी एक साथ मंच पर दिखाई देती है। इसके अलावा नई पीढ़ी भी पूरे जोश के साथ रामलीला में भाग लेती है। अशोकनगर से मृदुभाषी प्रदेश के लिए विवेक शर्मा की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।